अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के गांव गुजर नगड़ा में। यहां मेरे सामने कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। ये बुजुर्ग जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी एक गाय थी और ये गाय पालता है, यानी कि दुधारू गाय ये पालता है, और उस गाय की किसी प्रकार से मतलब मौत हो जाती है, गाय मर जाती है, बीमार होकर मरी है, किस प्रकार से मरी है, तो उसका इन्होंने बीमा करा रखा था। अब क्या कुछ इनकी परेशानी है जानना चाहता हूँ। कल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन है जी। क्या परेशानी, विस्तार से बताइए, क्या है पूरा मामला? मेरी परेशानी ये है जी, मैंने 4 महीना पहले गाय का बीमा करवाया जी। अच्छा। 500 रुपए तो ले गए जी, जब जी और बिल्ला लगा गए जी। अच्छा। जो पर्ची वगैरह आई हुआ तो देखे ना गए जी। हम बीमा कौन सी कंपनी से कराया था आपने? बीमा वो तो वही जाने जी कंपनी है। अच्छा, वही जाने, वही जाने, वो जो आवे जी 5-4 साल से। सरकारी डॉक्टर था ना वो? सरकारी डॉक्टर था जी। अच्छा। और एक प्राइवेट हो जो आबिद के नाम का है, वो ढाणा का है जी। कितने का बीमा कराया था आपने? बीमा करवाया जी 60,000 रूपए का। तो गाय कब मरी थी आपकी? गाय मेरी मरी जी सोमवार के दिन 30 तारीख लो। किस चीज से मरी थी? उसके अचानक दर्द उठो। अच्छा। अचानक दर्द उठने के बाद में और रात में वो बांध दी, और बांध के नुआ जब देखी रात में तो थोड़े से तो जब पटरेट वटरेट खराब हो कैसे जी, तो वहाँ को जैसू गाय मर गई। मैंने ब्याने वाली थी वो ब्याने वाली थी जी। ठीक है। तो सुबह के टाइम मैंने डॉक्टर साहब फोन करो। ठीक है। तो मैंने वो बुलाया जी दोनों। डॉक्टर आपके पास आया तो क्या नाम था उसका? उसका नाम है हाजी वो सदाकत खान, साकरस का। कहाँ बैठता है वो? तो साकरस में ही है जी। साकरस में बैठता है? हाँ, साकरस में ही है। ठीक है। तो वे आए, दो आए जी। तो उन्होंने कहा ये कंपनी से आए हैं जी, और इसकी पोस्ट मॉडल करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने उसका पोस्ट मॉडल करा, बिल लेगा, मेरा अकाउंट नंबर लेके जी काफी का, और आधार कार्ड भी ले, आधार कार्ड फोटो कोटो और दो फोटो मेरी लेगे जी। ठीक है। जी आपका बीमा पास हो गया, चला गया, और मुझसे 4,000 रुपये और ले गए खर्चा पानी के। अच्छा। बाद में 500 पहले ले लिए, 4,000 रुपए ये ले ले जी, जी बाद में। अब एक एक सरकारी मुलाजिम है, किस बात खर्चा लेते हैं? वो नू कह रहे जी हम कोई अफसर नहीं देंगे आपको, बीमो पूरा मिल जाएगा। तो 4,000 बाद में लेंगे जी। ठीक है। तो मैंने जब जा रहे देखे रिकॉर्ड दिखाया, पीछे जा रहे हैं, मैंने की जा रहे हैं, मैं गयो मांडी खेड़े, तो मैंने की मेरे गाँव मर गई जी, मेरे को बीमा में चढ़ो है कि ना चढ़ो है। तो वहाँ जो उनने मूल पता करी, वहाँ फिर वो सागवान बैठे फिरोज पर में बड़ो डॉक्टर, तो उनने उसको फोन मिलाया, वन चेकअप कराओ जी नेट पे, वहाँ पे जा रहे गाय ना चढ़ा रखी जी, ना मेरे बिल्लो चढ़ा रखो जी। ठीक है। मेरे बिल्ला नंबर मेरे पे है को जी, और मेरे भी गाय भी वो चीर फाड़ करके नहीं लेगा जी, वो नहीं चला जाएगा, वो धोल धुलो का गाय के कुछ फोटो वगैरह है? हाँ, फोटो हैंगे जी। अच्छा। जब आपने उनसे पूछा था कि भाई बीमा क्यों नहीं चढ़ा, ऑनलाइन क्यों नहीं, तो क्या जवाब दिया? मोसु तो ये कह रहे जी चढ़ा दिया जी, मोतो जी पता लगी कल, मुझे पता लगी ही जब जा रहे हैं, मैंने उन लोग फोन करो, जब मैंने उन लोग फोन करो, जब वो कह रहा अग भाई हमने तो पहुंचा दियो जो हमारा काम है, अरे पहुंचा दियो तो आगे तो पहुंचाओ जी, आगे पहुंचाओ। मैंने भी जब आए ना मेरे पे, मैंने ये भी कही जब भी उनसे, अग भाई जो आपका काम है वो नु करे जी, बद वो मारेगी ये मारेगी, हम चीर फाड़ करेंगे, गुर्दा निकालेंगे, जो भी काम है अपना करो जी, वो इस बात से कुछ ना लेना देना। उस डॉक्टर का नाम है जी वो सदाकत। और दूसरा कौन था? दूध आप ही दे जी ढाणा का। ठीक है। मेरे लिए तुम कुछ भी करो जी, मेरे लिए तो बीमा मिल जाए जी। ठीक है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते, मेरे गल तुम धोखा कर दियो, जो कहीं भाई ने और बीमा करवा रहा को है, कोई धोखा में ना डाला, अपना ने चेक करवा लिया जी, मेरे साथ उन्हें धोखो कर दियो जी, मेरे तो ना चढ़ाओ जी अब तक भी, और अगर न्याय मिलना चाहिए जी मेरे लिए, धोखा कैसे करो जी। जो आपकी गाय थी जी, उसके कान जो होता है उसे बिल्ला लगा होता है? हाँ, बिल्ला लगा था उसका। हाँ जी, बिल्ला लगा था। फोटो है उसका? हाँ, फोटो है जी। ठीक है। नंबर भी हैंगे फोटो के, उसका बिल्ला नंबर का भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसु है जी। देखिए, गुजर नंगला निवासी शमसुद्दीन है, इनके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। जैसे कि जो ग्रामीण है वो बीमा कराते हैं अपने पशुओं का, लेकिन बीमा कराते हैं और उसके बाद भी जब पशु मर जाता है तो उनके साथ में ऐसा धोखा किया है कि आज तक ऑनलाइन ही नहीं करा है, तो एक तरह से षड्यंत्र धोखा है और 4,000 रुपये इनसे ठग ले गए हैं। अब बताइए, एक तो इनकी गाय जो है मर चुकी है, ऊपर से गरीब किसान है, जमींदार लोग हैं, इनसे 4,500 रुपये और ठग लिए हैं, वो भी सरकारी मुलाजिम है ना, तो ये हाल है यहाँ के कर्मचारियों का। तो मैं जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब किसानों की मदद की जाए, और इनकी जो गौ माता जी मरी है जिन्हें पालते थे,
उनका जो बीमा पॉलिसी जो भी किया था इनको उसका इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए अभी मेरे साथ में इस गांव का वर्तमान सरपंच जुड़ चुका है, इनसे भी मैं थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा। सरपंच साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील है जी। अच्छा जमील साहब आप बताइए, ये जो शमसुद्दीन भाई बता रहे हैं कि इनकी गाय मरी है, बीमा हुआ था पहले और फिर इनसे कुछ पैसे ऐठे गए, बाद में इनका जो आज तक रिकॉर्ड में नाम ही नहीं चढ़ाया है जबकि इनके जो पशु मर चुका है ना? बिल्कुल जी, परसों या चौथे दिन मरी जी, सोमवार और वह मेरा ही बड़ा ट्रैक्टर सुबह फेंक आया हाँ जी, और अब बीमा बीमा इसका हुआ है, उसकी कोई सुनाई उनाई कर ही ना रहा हूँ। अभी आप इस गांव के जिम्मेदार हैं, इस गांव के चप्पे चप्पे पर एक सरपंच का अधिकार होता है वर्तमान सरपंच का, तो आप इनको न्याय दिलाइए। बिल्कुल दिलाएंगे जी, न्याय दिलाएंगे और का इसका न्याय मिलना भी चाहिए। ठीक है, बेचारा गरीब आदमी है अपने और उसकी नकली वो फर्जी वर्जी काट के कहा वो कुछ ना ना वो बिल्ला सा लटका गड़ा मेरे बस, और दो एक भैंस और छोटी लटका रखे हैं ऐसी डुप्लीकेट से। आ तो देखिए गुजर नंगला गांव के सरपंच साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जो बुजुर्ग बता रहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, इनकी गाय जो है बीमारी की हालत में मरी है, वो ब्याने वाली थी, उसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने एक धोखा इनके साथ किया है। और इस चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं उन गरीब किसानों को जिनकी गाय भैंस बछड़ा जो भी मतलब पशु है, जिन्होंने अपने पशुओं पर बिल्ला लगा रखा है, जिन्होंने बीमा करा रखा है, जरा एक बार चेक करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी इसी तरीके से धोखा किया जा रहा है जिस तरीके से उस धोखे का शिकार ये बुजुर्ग हमारे सामने हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।